Hello everyone, my name is Nitish. Welcome back to my channel Education Source Dotting. So, आज हम पढ़ने जा रहे हैं Division of Korea. काफी नाम चल रहा है आजकल कोरिया का, BTS ग्रुप करके, और हमारे जो डिक्टेटर भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका, किम जोंग उंग. तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि किस तरीके से जो कोरियन पेनिनसुला है वो दो कंट्रीज में डिवाइड हो गया, जहां पे एक जगह पे डेमोक्रेसी चल रही है और एक जगह पे डिक्टेटरशिप आ रही है. तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि क्या हिस्ट्री रही है जिसके कारण जो हमारा कोरियन पेनिनसुला है वो टू कंट्रीज में डिवाइड हो गया था. सो बिफोर डिवीजन हम देखते हैं कि कोरियन पेनिनसुला में कौन शासक था वहां पे. तो वहां पे एक याई डायनेस्टी थी जो कि पिछले 500 साल से वहां पे राज कर रही थी, और संग योंग जो थे वो वहां के लास्ट किंग थे जिनका जो शासन काल था वो हार्डली 3 साल का था, 1907 से लेके 1910 तक. ये लास्ट किंग थे जिनका नाम संग योंग था. इसके बाद क्या हुआ कि जापान ने कोरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है. उनकी आर्मी जो थी, उनके जो फॉरेन अफेयर थे, वो सारे के सारे जापान ने अपने कंट्रोल में ले लिए. क्योंकि अगर 1907 की बात करें या 20वीं सदी की बात करें तो वहां पे उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड काफी ज्यादा एक्सट्रीम पे था. जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफी ज्यादा दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करते हुए अपनी कॉलोनी बना लेती थी. तो उसी को देखते हुए जापान भी काफी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे, तो जापान ने कोरिया को क्या कर लिया, अपना एक कॉलोनी बना लिया. सो वैसे तो जापान ने इससे पहले भी बहुत सारी कोशिशें करी हैं कोरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, बट फाइनली 1910 में जापान ने कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लिया. तो किस तरीके से उसने अपनी कॉलोनी बनाया, उस प्रोसेस को देखते हैं. तो सबसे पहले 1876 में जापान और कोरिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था जापान कोरिया ट्रीटी ऑफ एमिटी. इसमें क्या था, जापान ने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स रखे थे और ये जो ट्रीटी है वो जो कोरिया के किंग हैं उनसे फोर्सफुली साइन करवाई गई थी. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने कोरिया के जो 3 पोर्ट्स थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और वहां से क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे. फर्स्ट पॉइंट तो ये था, क्योंकि देखो किसी भी देश की जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो पोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितना भी सामान आता है जाता है वो सारा पोर्ट्स के थ्रू जाता है. आज भी पोर्ट्स के थ्रू जाता है. एरोप्लेन तो सिर्फ पैसेंजर को यहां से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते हैं, इतना ज्यादा जो सामान है वो सप्लाई नहीं होता एरोप्लेन से. तो जितना भी सामान है, ठीक है, वो सारा का सारा पोर्ट से होता है. और 1907 की बात की जाए तो उस टाइम से तो मैक्सिमम जो बिजनेस है, जो जितना भी मैक्सिमम ट्रेड है वो समंदर से हुआ करता था, और जो पोर्ट्स होते थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, राइट. सेकंड उनका था कैंसलेशन ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन जापानीज ट्रेड. कोरिया को पता था कि जापान के जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था कि जो जापानीज ट्रेडर थे उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, कि जैसे जापानीज ट्रेडर ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते कोरिया में, या फिर जो जापानीज ट्रेडर है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते, यहाँ पे घर बना के नहीं रह सकते. तो इस ट्रीटी के अंदर उन्होंने ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कोरिया से हटवा ली. उसके बाद जापानीज ट्रेडर कोरिया में आके ट्रेड करने लगे, वहां पे आके घर खरीदे, प्रॉपर्टीज खरीदी, और वो सारे के सारे राइट्स जापानीज लोगों को मिलने लगे जो कि वहां के कोरिया के लोकल लोगों को मिलते थे. जापानीज एज ए फार्म हाउस की तरह ट्रीट करते थे कोरिया को. बेसिकली जापान में इतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं होता, तो उन्होंने कोरियन पेनिनसुला को, मींस कोरिया को अपने अंडर कर लिया और वहां पे क्या करने लगे, ट्रेड भी करने लगे और एग्रीकल्चर भी करने लगे, राइट. उसके बाद उन्होंने चाइना के साथ कोरिया के काफी अच्छे रिलेशंस थे, तो उन रिलेशंस को डिक्रीज करने के लिए उन्होंने ये बोला कि अब आप चाइना के साथ जो रिलेशन है आपके, जो फ्रेंडली रिलेशन है, वो आप रिड्यूस कर दोगे. तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जिन्होंने कोरिया को क्या किया, धीरे धीरे जापान के अंडर ले जाना शुरू किया.
उसके बाद सेकंड ट्रीटी होती है जो कि 1905 में होती है। ये ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रीटी ऑफ इल्सा है, जिसमें जापान ने कोरिया के जितने भी फॉरेन अफेयर थे एंड जो आर्मी थी कोरिया की, उसको अपने ऊपर, उसके ऊपर अपना कंट्रोल लगा दिया, कि उसको मतलब कि जितना भी कंट्रोल है आर्मी को कमांड करना या फॉरेन जैसे दूसरे देशों के साथ डील करना, वो सारा का सारा किसके थ्रू होने लगा, जापान के थ्रू होने लगा। जैसे इंडिया में होता था, जैसे इंडिया में यूके का शासन था तो जितने भी फॉरेन अफेयर हैं वो कौन देखता था, यूके देखता था। आर्मी किसके कंट्रोल में थी, यूके के कंट्रोल में थी। उसी तरीके से कोरिया के जितने भी फॉरेन अफेयर हैं, जितने भी दूसरे देशों के साथ डीलिंग होती थी, जो भी आर्मी था वो सारा का सारा जापान के अंदर आ गया। फाइनली 1910 में, मई 1910 में जो मिनिस्टर थे जापान के, वॉर मिनिस्टर थे जिनका नाम था त्रुची मिसेक, ये थे वो, ये जो यहाँ पे फोटो यहाँ दिखाई दे रही थी, इन्होंने क्या किया, कोरिया के ऊपर इन्वेड कर दिया। और फाइनली 22 अगस्त 19 जापान और कोरिया के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है जापान कोरिया एनेक्स्ड ट्रीटी, जिसमें उन्होंने क्या किया, कोरिया को टोटली अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये ट्रीटी किस किस के बीच में होती है, ये कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, सेवंथ प्राइम मिनिस्टर थे ये वेंग योंग और जो वॉर मिनिस्टर थे जापान के, उनके बीच में ट्रीटी साइन होती है। और जो जापान सॉरी कोरिया जो है वो जापान के कंट्रोल में चला जाता है। यही जो वॉर मिनिस्टर हैं, ये जापान के सॉरी कोरिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। और उसके बाद ये जो शासन काल है जापान का, जो शासन है कोरिया के ऊपर, वो अगले 35 साल तक, 35 ईयर्स तक चलता है। फाइनली जब वर्ल्ड वॉर टू होती है, उस टाइम पे जापान के ऊपर दो बॉम्ब फेंके जाते हैं यूएसए के द्वारा, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। उस टाइम पे जापान जो है वो काफी ज्यादा वीक हो गया, और जापान की जितनी भी आर्मी थी, वो चाहे कोरिया में थी, चाइना के अंदर थी या फिर दूसरे देशों में थी, वो सारे के सारे जो जापानीज आर्मी है वो वापस जापान में चली गई अपने देश को संभालने के लिए। और फाइनली 15 अगस्त 1945 में जो कोरिया है वो जापान की कॉलोनी से आजाद हो जाता है। तो ये थी अभी तक कोरिया बिफोर डिवीजन। अब जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है, तो वहां पे अब वर्ल्ड वॉर टू में जो विनिंग पार्टी थी, जो विनिंग साइड थी, उनमें दो बड़ी कंट्री थी, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट एंड सेकंड सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन रशिया, 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो 15 कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है, रशिया उनमें से सबसे बड़ा पार्ट है। तो सोवियत यूनियन क्या है, रशिया प्लस जो 15 कंट्रीज थी उन सभी को मिला के हम सोवियत यूनियन उस टाइम पे बोला करते थे। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन बना लिया, राइट? तो सोवियत यूनियन को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि यूनाइटेड स्टेट हमारी साइड से लड़ रहा है और हमें नहीं बताया कि उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। तो इस चीज से सोवियत यूनियन निराश हो जाता है, और उसके कारण सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच में क्या हो जाती है, टसल शुरू हो जाती है, इनकी कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ओके, तो कोल्ड वॉर शुरू होने के कारण अब जो कोरियन पेनिनसुला था, इन दोनों ने क्या किया, उसके ऊपर आधा आधा कंट्रोल कर लिया। तो जो नॉर्दर्न साइड है, जो चाइना वाली साइड है, जो कोरियन पेनिनसुला का चाइना वाली जो साइड थी, उस पे किसने कंट्रोल कर लिया, सोवियत यूनियन ने कंट्रोल कर लिया, और वहां पे डिक्टेटरशिप चलने लगी। और जो साउदर्न जो साउथ पार्ट है कोरियन पेनिनसुला के ऊपर, कोरियन पेनिनसुला का, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट ने अपना कंट्रोल कर लिया, और वहां पे डेमोक्रेसी को उसने शुरू कर दिया, ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट वगैरह बनवाई। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करता है, वो डिवाइड करती है 38 डिग्री पैरेलल लाइंस, ये इक्वल हाफ में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है, राइट? अगेन 1952 में जो जापान है वो दोबारा से कोरिया को रिक्लेम करने की कोशिश करता है कि ये हमारे अंडर हुआ करता था और हमें इसे वापस दिया जाए।
बट फाइनली 1967 में जापान और कोरिया के बीच में एक फाइनल ट्रीटी होती है, और उस ट्रीटी में ये लिखा जाता है कि पुरानी जितनी भी ट्रीटी, स्पेशली जो 1905 और 1910 में जापान और कोरिया के बीच में हुई थी, वो सारी की सारी नल एंड वॉइड होती है। तो इस तरीके से जो कोरिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और फाइनली जापान का भी जो उसके ऊपर कंट्रोल था वो भी रिमूव हो जाता है। वहां के जो डिक्टेटर है, डिक्टेटर कौन, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है वो ये हैं, किम जोंग उन। क्लैपिंग कर रहे हैं, देखो वो मेरे लेक्चर के ऊपर क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगा है। एंड साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का कोई पर्टिकुलर फेस नहीं होता, लोगों के द्वारा चलाई जाती है, इलेक्शन होते हैं, और इस तरीके से ये सारा का सारा लेक्चर था। ये हमारा यहाँ पे साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया है। वन मोर थिंग, नॉर्थ कोरिया जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी हैं, और ये जो न्यूक्लियर वेपन का जो फॉर्मूला था वो हमारे ही पड़ोसी पाकिस्तान ने उसके साथ शेयर किया था। तो एक ऐसा डिक्टेटर जो कि अपने लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये कोरिया का जो डिवीजन है, जो मैंने वीडियो बनाई है, वो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, और थैंक यू।